के दौरे से मेट्रो परियोजना को लगा पंख। भारत सरकार के मेट्रो परियोजना निर्देशक और केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त ई श्रीधरन ने दोनों रूटों के महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का लिया जायजा। कांग्रेस के जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए गोरखपुर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। जल्द ही दौड़ेगी महानगर में मेट्रो, तेजी से चल रहा है मेट्रो निर्माण का कार्य। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की मंडल में गेहूं खरीद की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा के निर्विरोध चुने गए जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध कमेटी के सभापति भाजपा के महन सिंह, उप सभापति गौरी द्विवेदी और अन्य समिति के सदस्य। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस, मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक 100 रुपए प्रतिमाह मिलेगा वजीफा, जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, कुलपति को सौंपा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने गोरखपुर स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण, दिया निर्देश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित हुआ विविध प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर विविध प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों के छात्रों ने डीएम को प्रेषित किया ज्ञापन। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय न होने पर कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर आई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से दर्ज कराई शिकायत। और क्रिकेटर ने जीसीए पर लगाए मेडिकल टेस्ट में वसूली का आरोप, जीसीए के संयुक्त सचिव ने आरोपियों को किया खारिज।